फिर से अपने मोदी चचा विदेश दौरा यानी कि यूरोप के दौरा पर गए हुए थे पिछले सप्ताह में। इसी बीच में एगो चीज और पता चला है कि मोदी चचा रसिक मिजाज भी हैं। वो कहीं से कि उन्होंने अपने यात्रा का शुरुआत कैसे किया, तो प्रियंका चोपड़ा से बतिया करके। प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए गए और उनको आशीर्वाद भी दिए बेवाज के सफलता के लिए। हालांकि बेवाज बाद में रिलीजो हो गया है, लेकिन यह बीच में एगो वीडियो आया था कि स्पेन में कुछ लोग से पूछने के लिए जाती है एंकर, और वो मोदी जी के बारे में बताते हैं बहुत सारा चीज़। ये वीडियो देख के थोड़ा अच्छा लगा कि अपने मोदी जी को भी दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं। और उसमें एगो आदमी तो इतना भावुक हो गया कि वो बोला कि एकदम मोदी जी को क्या करना चाहिए कि ट्रम्प बाबा को धकेल के बाहर कर दो और अमेरिका को आज़ाद करवा दो। अपने ट्रम्प बाबा क्या किए कि वो पेरिस जलवायु संधि से अपना नाम वापस ले लिए। बोले हैं कि हम तो पर्यावरण को गंदा करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, हमको उससे मतलब नहीं है। छोड़िए, अब यूरोप से सीधा आ जाते हैं बिहार में। कहा है कि पिछले सप्ताह में बिहार में क्या हुआ कि 12th का रिजल्ट आया था। 12th के रिजल्ट में मात्र 35% बच्चा पास हुआ। बताइए, पूरा हाई तोबा मच गया है कि जो पास परसेंट इतना कम है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अलग अलग तरह का एकदम सूचना आता है। कोई बोल रहा था एक आदमी कि जियो का जो फ्री ऑफर था ना, यही है जिम्मेवार इस रिजल्ट के लिए। कहा है कि बच्चा सब जियो के फ्री वाले ऑफर में पूरा एकदम वीडियो देख रहे थे, टाइम पास उसी में कर रहे थे, पढ़ाई तो कर नहीं रहे थे। तो कोई बोल रहा है क्या कि बिहार बोर्ड जिम्मेवार है। भाई, एग्जाम दिया है स्टूडेंट, रिजल्ट आया स्टूडेंट का, तो इसमें बिहार बोर्ड कहाँ से जिम्मेवार है। पिछले साल बिहार टॉपर का घोटाला वाला मामला सबको मालूम ही था, कितना बदनाम हो गया था बिहार बोर्ड। तो उस चक्कर में इस बार जो चेकिंग बहुत टाइट हुआ तो बहुत कम पास हुए, लेकिन टॉपर वाला मामला फिर से इस बार और आ गया है। आजकल एक ट्रेंड देखे हैं, बिहार बोर्ड का जो भी टॉपर होता है ना, मीडिया वाला माइक का कैमरा लेके पहुंच जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। आ उसके सवाल का जवाब यदि देने में थोड़ा घचपचाए जाते हैं तो बोलते हैं कि टॉपर फर्जी तरीके से हुआ है। भैया, हम कहते हैं कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए, आप एक नियम बना दीजिए कि जो भी टॉपर होगा ना, उसका पहले बजाबते इंटरव्यू होगा मीडिया के द्वारा, और वो एकदम से ठप्पा लगाएंगे तभी वो आदमी टॉपर होगा। लेकिन ये चीज़ खाली बिहारी बोर्ड के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे बोर्ड के लिए भी, CBSE के लिए भी हो या दूसरे स्टेट बोर्ड के लिए भी होना चाहिए। CBSE में जितना भी 90% से ज़्यादा लाता है मैथ में, उससे आप पूछ के देखिए पहाड़ा 17 का, 18 का, 19 का, वो लोग बता दे तब उसको 90% वाला सर्टिफिकेट दे दीजिए, नहीं तो उसको भी कैंसिल कर दीजिए। एक एक हम अपना बात बताते हैं। कुछ दिन पहले हम एगो लड़का से मिले थे, वो बिहार बोर्ड का नहीं, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था, 12th पास था, हम स्टेट बोर्ड का नाम नहीं बताएंगे। तो उसके साथ हम मिले तो वो हमसे पूछा कि भैया आपका घर कहाँ है, तो हम बोले बिहार है। फिर हम पूछे मालूम है तुमको बिहार कहाँ है, तो थोड़ा घबरा गया, नहीं बोल पा रहा था। तो हम फिर से पूछा, अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, ऑप्शन देते हैं कि ये बताओ कि बिहार जो है ना यूपी में है कि पटना में है। हाँ, यही हम पूछे थे सवाल। तो क्या बोलता है, पहले तो बोलते सोचा, फिर बोला कि बिहार जो है ना यूपी में है। बोले वाह, सही जवाब दिया, लेकिन बताओ कैसे तुम ये सोचे, कैसे कैसे आंसर लाए तुम। तो बोला अरे वो गाना सुने थे ना कि यूपी बिहार लूट ले, तो हमको लगा कि वही बिहार जो है यूपी में है। हमको वाह बहादुर, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से जो विद्यार्थी दूसरे बोर्ड में जो मार्क्स लाता है या फिर टॉप करता है या कुछ है, उसको भी ऐसा GK आता ही हो। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि खाली बिहार बोर्ड को रगेदने के बजाय दूसरे बोर्ड पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए मीडिया वाले, ठीक है ना। और रही बात अभी आर्ट्स टॉपर जो गणेश कुमार है, वो फिर से पकड़ा गया बेचारा, जेल हो गया है, लेकिन वो इसलिए नहीं जेल हुआ है कि वो चीटिंग करके टॉप किया था, वो दूसरी वजह से हुआ कि वो उसने अपना एज को घटा दिया था। वो अलग किस्सा है, काहे घटाया वो तो उससे पूछा जाना चाहिए। खैर, अब फिर से हम चलते हैं यूरोप। का है कि वहाँ पर इंग्लैंड में जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, आप लोग मैच तो देख ही रहे होंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा कन्फ्यूजिया गए हैं। वो का है कि बहुत जगह पर कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए, तो बहुत ही मीडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं, आप यदि देखिएगा तो देशद्रोही हो जाइएगा। तो हम पूरा कन्फ्यूजन में है कि करें तो करने का, देखें कि TV बंद रखें कि क्या करें। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन वही द्वंद में चलते हैं, देखते हैं। अब मैच होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर हम बकवास करेंगे बाद के वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी के।